स्टूडेंट्स, मैं संदीप शर्मा चंद्रा इंस्टीट्यूट प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको ये स्पेशल वीडियो किस लिए बनाए जा रहे हैं, ये स्पेशल वीडियो आपको एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी को स्पेशली टारगेट करके बनाए जा रहे हैं। और जो आज का एकदम वीडियो बनाया जा रहा है, ये स्पेशली रेलवे को देखते हुए, रेलवे की जो एक तरह से इतिहास रहा है, उसमें से जो हमारी टीम के द्वारा, स्पेशल टीम के द्वारा जो तैयार किए गए हैं, जो स्पेशल 40 क्वेश्चन में से, आपको मैं स्पेशली बता दूं, इसमें से 3-4 क्वेश्चन आना तय है। चलिए, इसका एक भाग आपने देख चुका है, अब उसके आगे हम इसका भाग 28 भाग इसका दो चलते हुए, मतलब देखते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आइए देखते हैं। सबसे पहले आगे हम आपके लिए, हमारी टीम के द्वारा क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले अगर देखा जाए, 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो कि मुंबई से ठाणे के मध्य चली थी। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली थी, तो वो थी 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ये आप विद्यार्थी स्टूडेंट्स आप नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, और ठाणे के मध्य चली थी। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है, लाजवाब क्वेश्चन बनता है, कि अगर मुंबई से या छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से आपके क्या कहते हैं ठाणे तक चली थी, तो कितने मील चली थी और कितने किलोमीटर चली थी। ये बड़ा डिफरेंस है आपको, तो देख लीजिए 21 मील चली थी, और अगर किलोमीटर में स्टूडेंट्स पूछा जाता है तो 33.8 किलोमीटर, 1.6 से आप अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 को, तो आपको 33.8 किलोमीटर मिल जाएगा। यानी अगर मील को 1.6 किलो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको किलोमीटर का ज्ञान हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार आया होगा, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1 अप्रैल 1969 को देश की पहली सुपरफास्ट ट्रेन, वो भी ब्रॉड गेज लाइन पे चली थी। कल आपको मैंने इसके पहले वाले, अगर ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज क्या होता है, उसका हमने पूरा विवरण दिया हुआ है इसके पहले वाले वीडियो में, प्लीज आप उसको देखिए। 1 अप्रैल 1969 को देश की पहली सुपरफास्ट ट्रेन ब्रॉड गेज लाइन पर दिल्ली से कहां तक चली थी, हावड़ा के मध्य चलाई गई थी। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रॉड गेज लाइन सबसे पहले दिल्ली से हावड़ा के मध्य चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 1 अप्रैल 1969 को। फिर उसके बाद ये एक ऐसा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, कि जो जन्मदाता है एक तरह से कहा जाए स्टीम इंजन के, जॉर्ज स्टीफेंसन ने 1814 में भाप के इंजन का आविष्कार किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भाप का इंजन सबसे पहले स्टार्ट, जिसको स्टीम इंजन भी कहा जाता है, इसको अभी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद सुरंग, एक तरह कहा जाए कि ऊपर तो चली रहा है, लेकिन अगर देखा जाए पृथ्वी के भीतर सुरंग बना के रेल का निर्माण कब किया गया है, 1856 से 1865 के मध्य, बहुत एक तरह से मध्य में बहुत ज्यादा तेजी स्तर पर किया गया था। उसके बाद 1 जुलाई 1856 को दक्षिण भारत में रेल की शुरुआत मद्रास कंपनी के द्वारा करी गई। अगर कभी आता है कि दक्षिण भारत में किस कंपनी के द्वारा, तो मद्रास कंपनी के द्वारा 1 जुलाई 1856 को दक्षिण भारत में रेल की शुरुआत की गई थी। अब हाँ, ये भी एक गौरतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, इसको देख लीजिए। 14 अगस्त 1947 को रेल नेटवर्क को भी भारत और पाकिस्तान के बीच एकदम से डिवाइड कर दिया गया था, बांट दिया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ है, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है। तो जो भारत और पाकिस्तान पहले एक थे, तो जो रेल नेटवर्क है उसको भी क्या कर दिया गया था, बांट दिया गया था। तो 14 अगस्त को बांटा गया था। देश के आजादी के 4 साल बाद भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, अर्थात कब किया गया, 1951। ये लाजवाब क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप इसको कर लीजिए, कि ये मैंने उस नेक्स्ट इसके बिफोर वीडियो में भी बताया है। एक तरीके से रेल का जो राष्ट्रीयकरण किया गया, भारतीय रेल का, ये 1951 में किया गया है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, भारत के प्रथम रेल मंत्री या प्रथम रेल बजट प्रेजेंट करने वाले कौन व्यक्ति थे, उनका नाम था जॉन मथाई। ये आगे चल के भारत के वित्त मंत्री भी बने थे, इसको आप नोट कर लीजिए। भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे, जो 1947 से 48 तक पहली बार रेल मंत्री बने थे। और अगर हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान सरकार में माननीय पीयूष गोयल साहब 2019 में हमारे रेल मंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए,
ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, आपको इसको नॉलेज होनी चाहिए। भारतीय रेल शुरुआत होने के, देखिए जब 1853 से 1853 से जब रेल की शुरुआत हुई थी तो आपको बड़ा जान के आश्चर्य होगा स्टूडेंट्स, उस समय ट्रेन्स में टॉयलेट्स नहीं होती थी। ये सिर्फ किस में होती थी, जो जनरल डिब्बे होते थे उनमें टॉयलेट्स नहीं होती थी जैसे आज है, उस समय ये सुविधा नहीं दी गई थी। ये एक तरीके से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, देखिए लिखा भी हुआ, भारतीय रेल के शुरुआत होने के करीब 50 वर्ष तक ट्रेनों में टॉयलेट नहीं था। एक व्यक्ति थे ओखिल चंद सेन, इनका दिया हुआ लेटर जो इन्होंने सबसे पहले एप्लीकेशन लिखी थी ब्रिटिश सरकार को, समय ब्रिटिश सरकार थी, कि उन एक बार ये यात्रा कर रहे थे जिनसे इनको टॉयलेट ना होने पे बड़ी असुविधा होती थी, और उन्होंने पैसेंजर्स को भी देखा जो और लोग भी थे उनको बड़ी असुविधा हो रही है, इसके बारे में उन्होंने बरतानिया सरकार को लिखा, और इन्हीं का एक तरीके से एप्लीकेशन लेटर आज भी भारतीय रेल के म्यूजियम में रखा हुआ है, और ये इन्हीं के कहने पे ही, इन्हीं के एप्लीकेशन पे ही रेलों में टॉयलेट की व्यवस्था की जाना आरंभ हो गई। ओखिल चंद सेन ने 1909 में पैसेंजर ट्रेन से यात्रा करते समय अपने बुरे अनुभव को एक तरह से बरतानिया सरकार को बताया, और बरतानिया सरकार ने तभी से टॉयलेट का इंतजाम करना इसमें क्या कहते हैं जो जनरल डिब्बे हैं उनमें आरंभ किया। आपको बता दें स्टूडेंट्स, अब इसको 1891 में प्रथम श्रेणी के डिब्बों में टॉयलेट को जोड़ा गया, इसको आप थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, 1891 में प्रथम श्रेणी के डिब्बों में टॉयलेट को जोड़ा गया। इसके बाद 1873 में दिल्ली से हरियाणा से गुड़गांव के फरूखा नगर के लिए पहला मीटर गेज लाइन खोली गई। देखिए मैंने बताया था जो मीटर गेज होती है वो एक तरह से मिलीमीटर के अंदर की लाइन कहलाती है। साल 1992 में भारत की पहली विद्युत ट्रेन डेक्कन क्वीन चलाई गई, ये लिख लीजिए। साल 1992 में सबसे पहली बार विद्युत रेल चलाई गई भारत में, जिसका नाम क्या रखा गया, डेक्कन क्वीन। कल्याण से कहां तक चलाई गई थी, पुणे के मध्य चलाई गई पहली विद्युत ट्रेन। इसके बाद भारतीय रेल की तरफ से साल 1945 में पहली बार डीजल इंजन की शुरुआत की गई। अगर पूछा जाता है डीजल इंजन भारत सरकार ने कब से रेल मंत्रालय में लेके आया रेल में, वो आया है 1945 को। इसके बाद भारत के राष्ट्रीय रेल म्यूजियम की नींव दिल्ली के उस समय के राष्ट्रपति वीबी गिरी ने 1971 में रखी थी। जो एक तरीके से देखिए कोई भी संस्था होती है अपने जो अपने एक तरीके से जो इतिहास है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए संरक्षित रखती है, जो रेल म्यूजियम वीवी गिरी के द्वारा 1971 में एक तरह से उसकी नींव रखी गई थी रेल म्यूजियम की। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि देश की सबसे लंबी सुरंग जम्मू काश्मीर के पीर पंजल में है, जिसकी लंबाई कुल 11,215 किलोमीटर। इसको नोट कर लीजिए, आया हुआ क्वेश्चन है। अगर देखा जाए देश की सबसे लंबी सुरंग जम्मू काश्मीर के पीर पंजल में है, जिसकी कुल लंबाई 11,215 किलोमीटर है। इसके बाद भारत में सबसे लंबी यात्रा करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है। ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स कई बार आया है, विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी यात्रा करने वाली ट्रेन है, जो डिब्रूगढ़ आसाम से कन्याकुमारी तक लगभग 4,273 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर बोल रहा हूं, जो डिब्रूगढ़ कहां पे, आसाम से कन्याकुमारी तक जो टोटल डिस्टेंस वो तय करती है 4,273 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसको नोट कर लीजिए, आया हुआ क्वेश्चन है। और जब देखिए सबसे ज्यादा दूरी तय कर रही विवेक एक्सप्रेस, तो सबसे कम में देखिए कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे कम दूरी पे है। भारत की सबसे कम रेलवे स्टेशन के मध्य की दूरी, दो स्टेशनों के मध्य की दूरी जो सबसे कम है वो नागपुर से अंजलि रेलवे स्टेशन है, मात्र कितने है 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश का गोरखपुर शहर में है, जिसकी कुल लंबाई 1,366.33 मीटर है। इसको नोट कर लीजिए, लगभग ये 1.5 किलोमीटर के लगभग हुआ, लेकिन आप इसको एग्जैक्ट लिखना चाहते हैं तो 1,366.33 मीटर है। भारतीय रेल ने 3 अगस्त साल 2002 में पहली बार घर बैठे इंटरनेट से आप रेलवे की बुकिंग कर सकते हैं, वो सुविधा आरंभ की। कब से स्टार्ट की, 3 अगस्त साल 2002 से। इसको नोट कर लीजिए, भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कब की गई,
1984 में कहां से की गई? कोलकाता से। कई बच्चे इसको दिल्ली मानते हैं, नहीं बेटा दिल्ली से नहीं, ये कहां से की गई है? कोलकाता से की गई है। और कब की गई थी? 1984 को। इसके बाद छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भारत का पहला रेलवे स्टेशन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा इसका इतिहास पे लेके चलता हूं, कैमरा सर से कहूंगा थोड़ा सा दिखाइए। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि 16 अप्रैल 1853 को पहली बार छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये टर्मिनल सबसे पहला रेलवे स्टेशन था भारतीय रेल का। इसके बाद और रेल के भारतीय रेल के स्टेशंस का निर्माण होने लगा। तो स्टूडेंट्स अगर देखा जाए, आज हमने एक तरीके से जो रेलवे के इतिहास हैं और उससे एक से जो बढ़कर एक क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हमारी चंद्रा इंस्टीट्यूट प्रयागराज की टीम के द्वारा बनाई गई और आपके सामने पेश की गई। और अब अगले एक तरह से वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।